23 फरवरी 2022 को जो है वो ज्वाइन किया। चार महीना मेरे साथ जो है गाड़ी से अप डाउन की, उसके बाद वो जो है कौवा में ही कहीं रूम ले ली। वहाँ रूम में जो है हम रूम नहीं ले रहे थे, फिर भी जो है घर में नौटंकी चालू की। फिर भी जो है हर कोई पति चाहता है पत्नी मेरी खुश रहे, मैं वहाँ रूम में शिफ्ट कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे को 2-3 महीना रखी, उसके बाद बच्चे को भी रखने से नकार दी। उसके बाद मैं पिछले गर्मी छुट्टी में मेरे जो है बच्ची हॉस्टल से आई थी, वो भी 30 दिन की छुट्टी में, मात्र वो 8 दिन मम्मी के साथ रही। उसके बाद मेरे ही साथ गाँव में ही रही, हम भी रूम पर जाते थे वो मुझे रहने नहीं देती थी। उसके बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में वो फंसी हुई है। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो यहाँ से न पता है, न रूम पर है, न मेरे यहाँ है, न अपने मम्मी के पास, न या अपने नहिरा में तो उनका कोई है ही नहीं। उसके बाद कहीं नहीं, मैं अपने सबसे बहुत खोजा। उसके बाद मैंने जो है बीओ साहब के पास जो है ठोकर खाया, 4 बजे बच्चे के लेकर गया। बीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आएगी, मगर उनका अटेंडेंस जो है बनता था और मैडम नहीं आती थी। उसके बाद मैंने डीओ साहब जो है समस्तीपुर गया, डीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया और फ़ोन किए बीओ साहब के, बीओ साहब दोनों बच्चा को देखते हुए आपको इस पर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कम से कम मैडम को बुलवाइए। उसके बाद जब डीओ साहब फ़ोन किए तो मैडम द्वारा जाली मेडिकल लगा दिया गया, जो कि गलत है। और मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को, मैंने मुख्य सचिव जी को, मैंने जो है के पाठक जी को, मैंने डीओ को, मैंने क्या कहते हैं डीएम को, मैंने 6 जगह पटना और 3 जगह समस्तीपुर, 9 जगह जो है मैंने कार्रवाई के लिए जो है मैंने पेपर लिखा। उसके बाद जो है मैंने मुखिया जी को गुहार लगाया, तो मुखिया जी ने अपने जो है पंचायत में ही कुछ ग्रामीण से जो है मिलकर, पता चला कि मैडम नहीं आती है, तो जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ती है उनके अभिभावक से मिलकर अपना जो है कार्रवाई किए, जो कि जो है साइन मोहर करा के रखे हुए। उसके बाद जो है स्पष्टीकरण जो है पंचायत सचिव के द्वारा मांगा गया, वो अभी तक नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर जो है उसके बाद मुझे राहुल राम द्वारा जब मैं कार्रवाई किया तो घर पे आके 1 तारीख को जान से गोली मार देने की धमकी मिला गया, जो कि 1 तारीख के रात में मुझे जो है राहुल राम ने लगभग 7:45 बजे 3 आदमी से आए, जो कि एक बाइक पर थे, और 2 गाड़ी 2 नीचे उतरे और बोला जो भी आवेदन जहाँ दिया है वो कृपया उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को जान से मार दूंगा। कौन बोला ये बात? प्रिंसिपल राहुल कुमार ने बोला। प्रिंसिपल अपने आया था? हाँ, प्रिंसिपल अपने आया था। हेलो के साथ 3 आदमी के साथ आया था, जो कि एक बाइक पर चढ़ा हुआ था, 2 उतरा, जो कि एक राहुल कुमार और एक मुझे नहीं पहचाने कौन है, और डांड में से पिस्टल निकाला और मैं और वहाँ पर मेरे बच्चा था। बोला कि जो भी आवेदन दिया है वो आवेदन उठा लो, नहीं तो मार के मैं तुम्हें गोली मार के सुला दूंगा। कहाँ आया था? मेरे दरवाजा पर आया था। उसके बाद मैंने जैसे थाना प्रभारी को जैसे आवेदन दिया, थाना प्रभारी ने मुझे मेरा आवेदन 2 तारीख को रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैं थाना पे 8-10 दिन लगभग 6-7 दिन गया, थाना प्रभारी ने मुझे ठोकर मारा। उसके बाद कल सोशल मीडिया के माध्यम से 8-10 पत्रकार जैसे थाना पर गए। उसके बाद कल के डेट में, यानी कि 8 तारीख के डेट में जैसे केस लिया गया, 2 तारीख 1 तारीख का मामला, 2 तारीख 8 तारीख के डेट में केस लिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ।